गुड मॉर्निंग क्लास 12। जैसा कि आपको कल हम पढ़ा रहे थे सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल, ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाए थे मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी। इनमें से सारे सवाल आपको लगा जो ना है और पूछ ले, उनमें से कुछ सवाल हैं, फिर उसी के आगे हम चलते हैं। पहला सवाल है, इन्होंने पूछा है, कहाँ चला गया, कह रहा है शुद्ध जल में H2O की मोलरता की गणना कीजिए। शुद्ध जल में मोलरता की गणना कीजिए। जल का अपेक्षित घनत्व एक है, जल का अपेक्षित घनत्व एक है, ये सवाल है आपके सामने, ठीक। आपको पता है सबसे पहले H2O जल का अणुभार 1 × 2 + 16, टोटल जल का अणुभार कितना आ गया, 18 आ गया कि नहीं आ गया, जल का अणुभार। मोलरता का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे मोलरता पूछा है, मोलरता ये देख लो बहुत जरूरी है, मोलरता ही पूछा है, ठीक। मोलरता पूछता है ब्लैक की मात्रा किलोग्राम में बटे विलेय का आयतन लीटर। एक बात सुन लो कि विलेय के मोलों की संख्या आपको तो दी नहीं है, ठीक है, विलेय का आयतन भी नहीं दिया है, ठीक। सबसे पहले आपको अणुभार कितना दिया है, H2O जल का 18 दिया है, ठीक है। अब शुद्ध जल आपको जल का अपेक्षित घनत्व कितना दिया है, 1 अपेक्षित घनत्व 1 दिया है, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1 घनत्व = 1000 ml, जो 1 घनत्व दिया है वो किसके बराबर होता है, 1000 ml, ठीक। अब आपको पता है कि जो जल की मात्रा कितनी दी है, 18 दी और अपेक्षित घनत्व 1 है, जो घनत्व 1 दिया वो 1000 ml के इक्वल है। सीधे मोलरता बराबर फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों का घनत्व कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 घनत्व 1 ml हो गया है लीटर में, तो यहाँ पर सीधे 1000 हो जाएगा। और आपका जल का अणुभार कितना दिया है, 18, बस सीधे इसको निकाल लो, 18 × 5 = 90, 10 × 5 = 90, 18 × 5 = 90। इस सवाल को ऐसे एक बार ध्यान रखना कि ये जो विलेय के मोलों की संख्या है वो किसके बराबर है, घनत्व कितना दिया है 1 के, जो घनत्व 1 है वो किसके बराबर है, 1000 ml, नहीं समझना। इसमें से देखो कह रहा है शुद्ध जल में H2O की मोलरता की गणना कीजिए, जल का अपेक्षित घनत्व 1 दिया है, इसमें आपको सेम ऐसे ही 1 दिया हुआ है, इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं, शुद्ध जल में H2O की मोलरता पूछी है। आप ऐसे समझ लेंगे अलग से, पहले फार्मूला बना जाए, सबसे पहले जल का अपेक्षित घनत्व को आपको कितना दिया है, 1 दिया है, घनत्व कितना दिया है, 1 दिया है ना, उसने आपने कुछ कहा, लेकिन घनत्व का मात्रक अगर आप चाहें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पूरा, ठीक। अब आपको 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जब क्यूब दिया है, तो 1 ग्राम, अगर ग्राम को हम 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम में बन जाएगा, ठीक है, 1/1000, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, जो सेंटीमीटर क्यूब है तो यानी कि 100 × 10^2 लिख सकते हैं, 1000 × 10^3 लिख सकते हैं, तो ये मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है,
एक ग्राम एक घनत्व दिया था एक बटे एक हजार, तो ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तभी तो तीन जीरो हुए, मतलब हजार को 10^3 कहते हैं, और जो प्रति लगा है तो ये प्रति का मतलब है जब ऊपर जाएंगे तभी तो ये सेंटीमीटर में क्यूब हो गया। नहीं समझ में आई, मतलब कि आपको 10^3 लिखा है और एक लिखा तो एक गुणा 10^-3 हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमने प्रति लगा दिया तो जब ऊपर पहुंच जाएगा 1000 प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा माइनस में। ये आपको क्लियर हो गया, 1/1000 क्लियर हो गया, क्योंकि घनत्व एक दिया था, एक घनत्व बराबर 1000 एमएल, ऐसे ना सोचना है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर 1000 सवाल देंगे तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं 1/1000। अब हमें आपको पता नहीं है कि यहाँ पर विलयन का आयतन कितना दिया, आपको सीधे एक घन पर 1000 ml दिया, 1000 ml बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ एक और पूरा जल का अणु भर कितना दिया है 18, अगर इसको हम बाहर बाहर अंदर अंदर कर दें तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ये आयतन है, ये जल का अणु और यहाँ विलय के मोलों की संख्या, इतनी विलय के मोलों की संख्या, जो संख्या वो हमारी एक है, एक घन पर अब संख्या ग्राम में दी उसके अणु भार से भाग देंगे कितना बन जाएगा 18 बन जाए। अब यहाँ से समझ लो घनत्व 1 ग्राम दिया था 1000 ml हो जाएगा, तो 1/1000 में यहाँ लिखेंगे। अब आगे समझ ऐसे कर लो 1000 ऊपर हो जाएगा 18, एक से एक तुम्हारे पड़ जाएंगे 18 55.55 आ जाए, ऐसे नहीं समझ। उसमें कुछ भी नहीं पूछा है, सीधे सीधे तुमसे इतना ही कहा है कि शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात करो, जल का अपेक्षित घनत्व एक है, सीधे जान लो अपेक्षित घनत्व एक, घनत्व का मतलब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1/1000 क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया, ठीक है। और जो एक घनत्व दिया था वो हमने एक ही लिखा, एक घनत्व दिया था घनत्व को हमें मोल में चेंज करना था, उसका अनुभार भाग दे दिया, कोई मात्रा उसने लिखा नहीं था, यहाँ 1/1 18 हो गया, अनुभार दे दिया तो ग्राम से मोल में चेंज हो गया, इसको 1 ग्राम समझिए, कुछ नहीं दिया फिर 1 ग्राम होगा, तो 1/18। अब आपका आयतन 1000 ml होता है, 1 ml की 1/1000 हो गया तो 1000 ऊपर चला जाए 18 नीचे, तो 1000 ऐसे लगा। जो 18 है ये जल है, इसका यूज केवल काहे में कर रहा है, हमें मोल में चेंज करना, मान लो सवाल में जो एक दिया है वो हमें 1 ग्राम मात्रक दिए, बस 1 ग्राम घनत्व दिया है, वो उसका मात्रक कुछ नहीं था। अब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है तो सेंटीमीटर क्यूब के लिए हमने ये 1000 से भाग दिया है, ये कहने का मतलब है तो 1 ग्राम हो गया, बटे ग्राम को मोल में बिलियन में यूरिया तथा
का जल का मोल प्रभाव क्या है? विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। लिख लो, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव। अब तुम्हें ये दिया क्या है? यूरिया का सूत्र बताओ क्या होता है? NH2CO NH2। कितना दिया बेटा? 6% यूरिया दिया है। ठीक, तो जल कितना बचेगा? 100 से 6 घट जाएगा, 94% जल बचेगा। क्लियर? अब जब दोनों के तुम्हें परसेंटेज मिल गए, हमें जब तक सूत्र मोल प्रभाज को मोल में ना चेंज कर ले, पाए में मोल में जब तक नहीं हो, आप चाहे तो सीधे सीधे समझ सकते हैं NH2CO NH2 = 6% दिया यूरिया का मोलर कितना होगा? 60 निकाल लेंगे, तो सीधे 60 से भाग दे गए, परसेंट घट जाएगा। जब मोल में बनाते हैं कोई परसेंट में सीधे प्रकार से भाग देते, चाहे ग्राम में दिया हो या परसेंट में, तो 0.0 बढ़ाओ कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया यूरिया। जल कितना आ गया? 94 बटे जल का अनुपात 18 होता है, 18 × 5 = 90, 4 × 4 = 40, 18 × 3 = 36 मोल। जब दो मान हल करने पे आए, जो पहले हल करने पे आए वो स्मॉल है, जो बाद में आए वो कैपिटल है। जरूरी नहीं कि मान छोटे बड़े हो, जो पहले हल करने पे आएगा वो स्मॉल है होगा, जो बाद में आएगा वो कैपिटल है। तो अब यूरिया का मोल प्रभाज निकालना, यूरिया का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज स्मॉल है ना कौन स्मॉल है, प्लस कैपिटल है। स्मॉल एन 0.1 + 5.2 = 0.1 / 5.3। क्लियर? पॉइंट खत्म। 0.000 अब चलाना है। एक बार 53 × 53 = 47 बचे, 470 हो गया। 53 × 8 = 24, 2 × 8 = 46, 9 × 9 = 27, 2 × 9 = 45, 2 × 47 = 47, 400 लगभग थोड़े कम है, इतना आ गया। अब जल का मोल प्रभाज कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, कैपिटल एन की वैल्यू 5.2 / 5.2 + 0.1, 5.2 / 5.3, 0.5 खत्म, 0.0 लगा, 10 × 5 = 30 हो जाएगा, 53 × 5 = 30 लगभग 9 बार। फिर जय मार जाएगा, ये मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर, 2 आंसर आएंगे। आप उतार सकते हो, 0.018 आ रहा है इसका, अपन ने लगभग काट दिया ना, 1 का आ रहा है, 0.98। उतारो जल्दी से, उतारना हो तो हम रोक दें वीडियो। देखो अगला सवाल कह रहा है, दो एन यानी एन का मतलब नार्मलता से, दो नार्मलता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 50 ml में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नार्मलता N/10 हो जाए। नार्मलता समीकरण से लग जाएगा, N1V1 = N2V2 से उसी आगे। तो N1 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 2 N, कोई दिक्कत? V1 की वैल्यू 50 ml, उधर फिर आपको N2 दिया है 1/10 N, V2 आपसे पूछा गया, यही है ना? नार्मलता समीकरण बताओ क्या होगा? याद है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, N1V1 = N2V2, N1V1 50, N2 1/10, V2 पूछा, 50 × 50 कितना होगा? 100 = V2/10, ठीक है? H गुणा करो, V2 = 100 बताओ, 100 गुणा
जाए तो यानी 1000 माइनस 50, क्यों 50 एमएल तो मिला चुके जो आंसर आया, तो 1000 से 50 घटा दिया तो कितना एमएल आ गया, आंसर हो गया 900 एमएल जल मिलाया जाए। नोट कर सकते, समझ गए? जब तक हम आप लोग नोट कर रहे हैं, मंगला सवाल लिख रहे हैं, एक सवाल और बता दे इस तरह से, फिर आप लोग ऐसे लगाएंगे ना तो बताना। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलर ले, सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलर विलयन, 0.2 मोलर विलयन, मोलर विलयन सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी होगी, सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी होगी, घोलनी होगी। देखो अगला सवाल, ऊपर नोट हो गया तो साफ करते हैं। देखो कितनी मात्रा घोलनी होगी, लगा सकते हो इसको, ये आपको दो मेथड से लग सकता है, एक चुटकी से भी लगा सकते हो, एक सीधे डायरेक्ट लगा सकते हो। आपको 50 एमएल जल मिला है, ये तो उसी का, सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी होगी। सबसे पहले हम चाहें तो डायरेक्ट एक विधि है, सोडियम कार्बोनेट का अर्धभाग निकाल, सोडियम कार्बोनेट का अर्धभाग 23 × 2 + 12 + 16 = 48, 48 + 60 = 106, क्लियर? 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी होगी, सीधे 0.2 मोलर यानी कि 0.2 मोल ये मात्रा दी हुई है, आपको परेशान नहीं होना, 0.2 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट को घोलने के लिए सीधे लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट में घोलने बराबर है, सोडियम कार्बोनेट घोलने की मात्रा, घोलने वाली मात्रा है, घोलने वाली मात्रा कितना है, 50 ग्राम, 50 × कितने ग्राम मोलर है इसका, 0.2 × कितना अणु भार आया, 106, देखो 106, ठीक है। अब इसको देखो कितने ग्राम मात्रा घोली हो, सीधे सीधे 50 × 100 × 106, 50 × 100 दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद लगेगा, 10 आ गया। अब इससे भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 1060, ठीक ग्राम। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, कितने ग्राम मात्रा घोलनी होगी, जो हमने सोडियम कार्बोनेट में मात्रा घोली है डायरेक्ट लगानी थी, 50 ग्राम की थी, जितने मोलर लिया था अणु भार इतना कर लिया, और टोटल बटे एक बार ध्यान रखना कितना कर देंगे, 1000, क्योंकि इतने ग्राम मात्रा ग्राम प्रति एमएल होती है। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया, या तो ऐसे कर दो 0.2 हटा के 0 बढ़ा दो यहां से, तो 50 × 100 × 106 / 1000, 10000, 2 0 2 0 खत्म, 106 / 100, 100 को भाग दोगे तो 1.06 ग्राम मात्रा घोलनी आया सुन। ऐसे जितना आपका अणु भार दिया वो निकाल लो, जब इस तरह के सवाल पूछो, जितनी मात्रा मोल अगर एक ग्राम में देता तो इसके अणु भार का भाग दे इसको मोल में बना लेते, उसने पहले से मोलर ले दिया, 50 × 0.2 मोलर ×
डायरेक्ट। एक और दूसरी विधि से ऐसे लगा दी, चूंकि सोडियम कार्बोनेट का अंतर 106.2 मोल है, इसलिए 50 ग्राम के लिए 0.2×50×106/1000 चूंकि से, वैसे भी लगा सकते हो ऐसे उतारना। अब नेक्स्ट हम आपको बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक आप लगा सकते 13 नंबर तक। साइड में हम आपको सवाल बता दे रहे हैं, पराश्रय दाब P बराबर W/mv/r, इसमें P पता है आपको, इसका मात्रक एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, P पराश्रय दाब है, प्रेशर है, W पदार्थ की मात्रा है, W पदार्थ की मात्रा है, एम अणु भार है, बी मालवीय है, आयतन है, टी यहाँ पर ताप है, अगर डिग्री सेल्सियस में देगा कैल्विन बनाएंगे 273 जोड़ेंगे, कैल्विन में देगा डिग्री सेल्सियस बनाएंगे 273 घटा देंगे। रही बात आर की, आर कांस्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू 0.0828 लीटर इंटू वायुमंडल डिग्री प्रति मोल। बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि आर एक कांस्टेंट है, उसका मान कितना होता है, चार ऑप्शन देगा, एक बार मात्रक पूछ चुका है, ठीक है। तो लिखो इसका पहला सवाल बताने जा रहा, लिखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर 9% ग्लूकोज विलयन का, 27 डिग्री सेल्सियस पर 9% ग्लूकोज विलयन का, 27 डिग्री सेल्सियस पर 9% ग्लूकोज विलयन का पराश्रय दाब ज्ञात कीजिए, पराश्रय दाब ज्ञात कीजिए। ये देखो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 9% ग्लूकोज विलयन का पराश्रय दाब ज्ञात कीजिए। देख लो बहुत बड़े बड़े वीडियो खुल जाते हैं बच्चे में। देखो सबसे पहले टी बराबर बेटा 27 प्लस 273 कितना हो गया, 300 कैलोरी हो गया, क्लियर। डब्ल्यू का आपको 9% दिया है, ध्यान रखना जब परसेंट में डब्ल्यू दे तो बी आयतन हमेशा परसेंट हटेगा, 100 ml हो जाता है, ml को लीटर में 1000 से भाग नहीं बता देता, परसेंट में जब बी दे तो बी 100/1000 होगा, यही अलग अलग तो 0.1 आ गया, क्लियर। डब्ल्यू लिए आर है फिक्स होता है कोई दिक्कत, एम ग्लूकोज का अणु भार 3×180 है, सूत्र C6H12O6 180 निकाल लो ग्लूकोज का, पराश्रय दाब की पूछा है W/mv/r की वैल्यू रख दो, W की वैल्यू 9, m की वैल्यू 180, B.1, R.08 और T.300 हल कर लो, 2 जीरो बढ़ाओ इन्हें हटा दो 0.2, 100 से 300 काट दो 3 बार, 3 से 180 काट दो 60, ठीक है, 3×9 × 3×6 = 20, अब 10×20 = 41×42 दिया 123/10 यानी P बराबर 12.3 एटीएम नोट कर सकते हो वायु, समझ गए। इस तरह के आपको पराश्रय दाब को सारे लगाना है।